बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। आज हम इश्यूज़ इन पाकिस्तानी इकॉनमी बुक का रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या है। अकबर एस ज़ैदी की ये बुक है, हमारे पास ऑक्सफर्ड की है, अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसका कंटेंट देख लेते हैं। पहले सबसे पहले इसका कंटेंट क्या है। कंटेंट में हमारे पास जो हैं चीज़ें, एक तो इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट वन में हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर। पार्ट टू में हमारे पास है इंडस्ट्री और ट्रेड, मतलब एग्रीकल्चर अगर पार्ट वन है ना, तो इसमें चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये सारे जो चैप्टर हैं ना हमारे पास, ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर हमारे पास पार्ट टू आ जाता है, तो पार्ट टू में हमारे पास इंडस्ट्री और ट्रेड से रिलेटेड है जो जो चीज़ें हैं, वो हमारे पास चैप्टर 6 में है। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर 7 में भी यही है, चैप्टर 8 में भी यही है, और चैप्टर 9 में भी यही है। ठीक है, फिर आ जाता है पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में जो बातें हैं वो सारी हैं। इसके टोटल 2 चैप्टर हैं, जिसमें पता है वह हमारे पास टैक्सेशन के बारे में और डेब्ट और डेफिसिट्स के बारे में। ठीक है, जिसमें सारे डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आ जाता है, ट्रेड डेफिसिट आ जाता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास पार्ट फोर आ जाता है, जिसमें हमारे पास है डिवोल्यूशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म। इसमें हमारे पास कितने चैप्टर हैं, चैप्टर 12, 13, ये भी 2 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर और फिस्कल फेडरलिज्म, मतलब कितना हिस्सा किसको, कितना फेडरल को जाएगा, कितना प्रोविंसेस को जाएगा, इस तरह से ये चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट 5, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट्स बताए हुए हैं। अच्छा, बुक तो काफ़ी लेंथी है, इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास जो हैं दिए हुए हैं आगे नेक्स्ट 3-3, 4-4 चैप्टर दिए हैं, कुछ के 2-2 चैप्टर्स हैं। तो जैसे इसका हमारे पास पार्ट 6 है, जिसमें हमारे पास बताया हुआ है न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, स्टेबलाइजेशन और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। हमारे पास इसका एक ही चैप्टर है, इसका चैप्टर 16 है, 17 है, 18 है, 3 चैप्टर है। फिर पार्ट 7 आ जाता है हमारे पास सोशल सेक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस, इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ बताए हुए हैं, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स फिगर्स दिए हुए हैं वो चीज़ें हैं हमारे पास। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर 20, 21, ये इसी से रिलेटेड है। फिर आ जाता है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हमारे पास पॉवर्टी और इनक्वालिटी है। पॉवर्टी और इनक्वालिटी में हम पॉवर्टी देखेंगे, ट्रेंड्स, काजेज, उसका सलूशन, फिर रीजनल इनकम इनक्वालिटीज़ वगैरह। फिर पार्ट 9 आ जाता है, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ही हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, और इसमें हमारे पास चैप्टर 24 और चैप्टर 25, चैप्टर 26 और चैप्टर 27। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। बस इतना सा इस बुक का रिव्यू है, ये चीज़ें। अच्छा, इस बुक में एक और अच्छी बात ये दी हुई है कि इसमें ना डिफरेंट जर्नल से, रिपोर्ट से चीज़ें ली हुई हैं। जैसे एक तो मैं आपको ये बताती हूँ, फिगर्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह और मैप्स भी दिए हुए हैं, ये चीज़ें हैं हमारे पास, जिसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह भी आते हैं। इसके अलावा जो है, मैंने कुछ चीज़ें इसमें से देखी हैं, जिसमें हम हर पार्ट को 1-2 पेजेस से अलावा नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ उसकी समरी करेंगे, एक पार्ट की। टोटल 9 पार्ट है ना, तो इसमें एक पार्ट की हम समरी करेंगे, जिसके जो 2 पेजेस पे डिपेंड करेगी, या मैक्सिमम 3 हो जाएंगे। तो जैसे ये फ्लो चार्ट है हमारे पास, से एग्रीकल्चर का बताया हुआ है, एग्रीकल्चर 1949 में कैसा था, कितनी कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में, फिर उसके बाद 2002 में 2002 टू 2003 में कितना था कंट्रीब्यूशन उसका, 2013 में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं आपको बता रही थी, ये तो इसका रिव्यू है ना, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एग्रीकल्चर। तो ये पार्ट वन है हमारे पास एग्रीकल्चर वाला। तो इसमें जैसे ये अभी ये देखें, ये हमारे पास ली हुई है, कोई रिपोर्ट ली हुई है, वहाँ से हमें सोर्स भी बता दिया गया है, इस तरह की हमारे पास रिपोर्ट्स दी हुई होती है हमारे पास। ये फ्यूडलिज्म, इसकी भी हमें बताया हुआ है डेफिनेशन, फ्यूडलिज्म क्या होती है, फिर सोर्सेज बताए हुए होते हैं, इस तरह से ये बुक है हमारे पास। इसमें से अगर आप लोग चाहें तो मतलब आप सिर्फ समरीज कर सकते हैं इसमें से, और मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी लेक्चर आप लोगों के लिए, जिसमें हर चैप्टर का जो है, हर पार्ट में जो चैप्टर्स होते हैं उनकी सिर्फ हम समरीज करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास कितने थे, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के टोटल 5 चैप्टर्स हैं ना फर्स्ट पार्ट में, ये हमारे पास एग्रीकल्चर 1, 2, 3, 4 टोटल 4 चैप्टर हैं। इसमें इंट्रोडक्शन भी हम कर लेंगे, ये चीज़ जो आती है ना वो इंट्रोडक्शन में आ जाती है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास जो चैप्टर हैं
इन चैप्टर की हम समरीज करेंगे, समरीज का लहदा हमारे पास एक सेक्शन दिया होता है और साथ फर्दर रीडिंग दी होती है कि फर्दर रीडिंग में ये बताया गया होता है कि जो हमने इस पूरे चैप्टर में हमने डाटा लिया, हमने कहाँ कहाँ से लिया, जैसे डॉन के न्यूज़ आर्टिकल्स में से ले लेते हैं इस तरह से, और डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो होता है वो रिपोर्ट होती है मंथली और एनुअली रिपोर्ट्स इस तरह से उन्होंने ली होती हैं, पूरी यहाँ पर दी होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज बताई होती हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स बताए होते हैं। और ये इस तरह से जैसे मैं आपको कोई एक चैप्टर उठा लेती हूँ और उसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये समरी है ना, और फिर ये फर्दर रीडिंग है पेज नंबर 57 ना, यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्रे या इसके क्रिटिकल इशूज़ वगैरह पे, चैप्टर नंबर 94, पेज नंबर 94, जैसे ये है समरी हमारे पास, ठीक है। तो ये फर्दर रीडिंग में हमें क्या बताया गया है कि कहते हैं कि ये जो हमने बीच में जितनी चीज़ें कवर की हैं ये इन्होंने यहाँ से ले लिया है, ये इन्होंने अंडर डेवलपमेंट एग्रेरियन स्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो है ये आप नेट पे सर्च करेंगे इस तरह से आपको ये सारा डाटा वहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ से सर्च करेंगे, स्ट्रेटजिक इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, डाटा मिल जाएगा ये सारा। इसी तरह जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको फर्दर रीडिंग में चीज़ें बताई होती हैं, रेफरेंस बताए होते हैं कि यहाँ से आप लोग ये चीज़ें ले सकते हैं, लिस्ट दी होती है फैक्ट्स फिगर की, मैप्स की, और इस तरह से। तो ये था हमारे पास छोटा सा रिव्यू इस बुक का, इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी। अच्छा, मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी है, और इसमें अगर है तो काफ़ी लेंथी, लेकिन हम सिर्फ समरीज करके हम इस बुक को कवर कर सकते हैं, इसके इश्यूज़ वगैरह को।